तो गाइस फिट रहने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, और उस चीज़ के लिए हमें एक अच्छे ट्रेनर की भी ज़रूरत होती है। तो आज हमारे साथ हैं मिलन भाई। तो मिलन भाई, सबसे मेन चीज़ आपने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया, आपका वेलकम भाई, आप आए। तो मिलन भाई, सबसे पहले आप अपनी जर्नी बताइए। जो मेरी जर्नी है, पहले मैं एक बहुत छोटे जिम में गया जी, वहाँ मैंने ट्रेनिंग करी, और उसके बाद वहाँ मैंने जो हमारे कोच थे उनके साथ मैंने जिम में सफाई भी करी है जी, और मैंने बहुत संघर्ष करा है, बहुत मेहनत करी है जी, अपने गुरुओं के साथ और देख देख के बॉडी बिल्डिंग को मैंने सीखने की कोशिश करी है, जो मैं काफ़ी कुछ सीख पाया हूँ और अब भी सीखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जी। पर जो अब के बच्चे होते हैं वो एक साल में ट्रेनर बन जाते हैं, एक साल में कोच बन जाते हैं, एक साल में पर्सनल ट्रेनर बन जाते हैं, और हमारी जर्नी जो है वो 14 साल होगा चलते चलते, और अब भी हम चल रहे हैं। कौन से सन में आपने स्टार्ट किया जिम, मतलब स्टार्ट आपने? ये मैंने 2002 में चालू किया था। 2002 में आप, मतलब आपने जिम स्टार्ट किया? जी। तो स्टार्टिंग से ही आपको मतलब जिम का शौक था, या मतलब देख के किसी ट्रेनर को, या जो ट्रेनर होते हैं? नहीं, एक बार मैं मरघट है हमारा, उसमें अखाड़ा है, मैं उस अखाड़े में गया, तो वहाँ हमारे कुछ भाई अखाड़ा कर रहे थे, तो मुझे भी बस वहाँ थोड़ा शौक लगा, वो शौक इतना बड़ा कि आज मैं छोटा मोटा जिम लेकर बैठा हूँ अपना, और भाइयों को ट्रेनिंग कराता हूँ, और बच्चों को अच्छे लेवल पर ट्रेनिंग करा रहा हूँ, और जिसमें कि बच्चे हमारे एथलीट बनने हैं जी, यूपी है, मेरठ है, उनकी तैयारी पर आते हैं। तो मिलन भाई, मुझे ये बताइए कि एक अच्छी बॉडी, मतलब कितना टाइम लगता है अच्छी बॉडी बनाने में? एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं। वो प्रोफेशनल या जैसे मतलब नॉर्मली हमें एक्सरसाइज करनी है? नॉर्मल एक्सरसाइज के लिए बात चल रही है, अगर आपको प्रॉपर बॉडी चाहिए तो उसके लिए चाहिए कम से कम 10 से 20 साल जी, कम से कम। और अगर आपको फिजिक के लिए चाहिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए चाहिए, कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं। मतलब 5-6 साल लग जाते हैं जी। और उसमें अच्छी डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा वर्कआउट, अच्छी आराम, सब कुछ होना जरूरी है, जब भी जाके एक अच्छी बॉडी बन पाती है। मतलब समय के बाद एक अच्छी बॉडी बना रहे तो 5-6 साल मतलब चाहिए उसके अंदर। सर ये बताइए कि जैसे हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? बॉडी बिल्डिंग में अगर आप कर रहे हो तो आपका जो पहला ध्यान होना चाहिए, आपका पोज अच्छा होना चाहिए जी। दूसरा ध्यान होना चाहिए जो आप लगा रहे हो, आपका पोस्टर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका पोस्टर गलत होगा तो आपकी मसल्स गलत बनेगी, आपके इंजरी होने के 110% चांस बनते हैं जी। तो इससे ज़्यादा अच्छे लेवल में अगर कोई कर रहा तो मतलब क्या ध्यान रखना चाहिए, और बारीकी इसके अंदर अगर जाते हैं? बारीकी है कि आप ज़्यादा वेट लिफ्ट मत करो जी। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ज़्यादा वेट लिफ्ट करने से बॉडी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर पोस्टर अच्छा होगा, सही होगा, तो बॉडी जल्दी बनेगी, और अगर आप वेट कितना उठा रहे हो और आपका पोस्टर ठीक नहीं है तो बॉडी नहीं बनेगी आपकी। मेन चीज़ आपका पोस्टर, आपका वर्कआउट, आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो उस मसल्स पे इफेक्ट पड़ना चाहिए, माँ प्रेशर पड़ना चाहिए, माँ लोड आना चाहिए। ये बताइए जो आजकल का हमारा यूथ है, ठीक है, वो सोचता है कि ज़्यादा हैवी वेट हम कर रहे हैं तो बॉडी जल्दी मतलब बनेगी, तो वो चीज़ ठीक है या मतलब आप अपने तरीके से बताइए मुझे। नहीं, देखो लिफ्ट करना बहुत जरूरी होता है, हैवी लिफ्ट करना बहुत जरूरी होता है, पर बट एक समय के बाद जी, जब आप पोस्टर समझ जाओ, उसका तरीका समझ जाओ, क्या हमें कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना, उसके बाद लिफ्ट करना चाहिए वेट को जी। और उसके बाद कि बॉडी जिम के अंदर नहीं बनती, बॉडी बनती है किचन के अंदर, डाइट से बॉडी बनती है। आज के बच्चे सोचते हैं कि हैवी लिफ्ट करने से, हैवी ट्रेनिंग करने से हमारी बॉडी बन जाएगी, नहीं, आपकी जो बॉडी बनेगी बनेगी डाइट से। बेटा आपका जो ट्रेनिंग जो जरूरी है, पर डाइट फर्स्ट है। ओके, मतलब डाइट सबसे मेन है, ना कि वेट ज़्यादा। जी। मिलन भाई, मुझे ये बताइए, जैसे नॉर्मल के क्लाइंट आता है स्टार्टिंग में, उसे मतलब ABCD नहीं पता बॉडी के बारे में, तो उसे कितना टाइम मतलब एक्सरसाइज करना चाहिए स्टार्टिंग में? कोई अगर वेट लूज करने के लिए आया है जी, तो उसे 10 मिनट साइकिल, 10 मिनट ट्रेडमिल, 10 मिनट क्रॉसट्रेनर, बाकी थोड़ा बहुत अपना मिक्स वर्कआउट, बस मतलब कि हाइएस्ट आधा एक घंटा बस जी। और जो कोई बच्चा है, बहुत सी लिमसा है, वो वेट गेन करना है, तो उसे थोड़ा बहुत पुशअप लगवा के, बाकी अपना मिक्स वर्कआउट करा के, 3 मसल बहुत लाइट लाइट सी जी, उसके लिए बहुत है, क्योंकि एकदम हम जो कोई नया बच्चा आता है उसे परेशान नहीं देना चाहिए उसके ऊपर जी, क्योंकि वो नया है, उसकी मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाएंगी और परेशान पड़ेगा, उसको बहुत पेन होगा। मतलब वो क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब वेट लूज करना है या क्या करना है। जी हाँ, तो मैं दोनों बताया मैंने कि अगर गेन करना है किसी को जी, तो हल्का वेट लगाए जी, आराम से करे, उसका वेट लूज करना है 10 मिनट ट्रेडमिल, 10 मिनट साइकिल, और बाकी मिक्स वर्कआउट करें जी, अच्छा से। तो मिलन भाई, मुझे ये बताइए कि आपका बॉडी बिल्डिंग में आने का रीज़न क्या था? जब मैं बहुत छोटा था जी, तो हमारा एक क्लब है जिम खाने मैदान में, तो हम जाया करते थे, हम देखते थे, मैं बहुत तगड़े लोंडे वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमें जुनून चढ़ता था कि हम जब बड़े होंगे
हम भी ऐसा करेंगे जी। और उसी जनून को मैं आज लेके बैठा हुआ हूँ और आगे तक चलने की कोशिश करता हूँ, और जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाएगा तब तक वो जनून ऐसी बरकरार रहेगा जी। और मैं सभी बच्चों से कहता हूँ कि वर्कआउट करो, बहुत अच्छा है, हेल्थ इज वेल्थ। तो मिलन भाई ये बताइए कि आपका पहला कॉम्पिटिशन बॉडी बिल्डिंग का कब था? जो मैंने पहला कॉम्पिटिशन खेला था वो खेला था ना 2017 में जी, और 2017 से मैं अभी तक कंटिन्यू कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ जी, जिसमें मैं जीतता भी हारा भी हूँ जी। और पर जो आपके बच्चे होते हैं वो एक साल में सोचते हैं कॉन्टेस्ट खेल लें, बॉडी बिल्डिंग कर लें, ऐसा नहीं होता। अच्छा, कौन कौन सी सिटी में आपने किया कॉम्पिटिशन? मैं दो बार मिस्टर यूपी हूँ, एक बार अमरोहा हूँ, मेरठ भी हूँ जी। चार बार मैंने कॉन्टेस्ट खेले हैं जिसमें एक बार हारा भी हूँ मैं और चार बार मैं जीता भी हूँ, जिससे मेरे दो गोल्ड है, एक सिल्वर है, एक थर्ड है मेरी जी। ये मेरी प्लेसेस हैं जो लगी हुई हैं। तो और अभी तैयार चल रही है मेरी। तो आप ये सोचते हैं कि आपको ही मतलब कंपटीशन करने हैं या आपके स्टूडेंट हैं? नहीं, स्टूडेंट भी खिला रहा हूँ मैं खुद भी खेलता हूँ, जो मैं स्टूडेंट हूँ उन्हें भी खिलाता हूँ, पर जिसकी रुचि होती है जी जी तो वो तैयारी उन्हें कराई जाती है जिनकी खुद की रुचि हो। अब जिसकी रुचि नहीं है आप तैयार नहीं कर सकते। अब मेरी रुचि थी, मैं तैयार हुआ, आपको मेरा आता है बच्चा तो वो कहता है कॉन्टेस्ट खेलना है, तो हम उसे कॉन्टेस्ट खिलाते हैं जी, पर हम किसी परेशान नहीं बनाते। तो कॉन्टेस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है जो बच्चे नहीं कर पाते जी। अच्छा, एक कंपटीशन जैसे मतलब आप तैयार करा रहे हो किसी स्टूडेंट को, तो उसका मतलब आप कैसे ध्यान देते हो? उस पर ध्यान बिल्कुल ऐसे दिया जाता है जैसे कि हमारा एक बेटा हो जी, हमारा छोटा भाई हो, क्योंकि अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो उसका जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा, उसे अचीव कराना वो हमारे हाथ में है, क्योंकि जब कोई हम पर भरोसा कर रहा है तो हमारा फर्ज है कि हम उस भरोसे को पूरा करें जी। अच्छा, जैसे आप किसी स्टूडेंट को अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी करा दो तो उसमें कितना टाइम लग जाता होगा या आप पे कितना प्रेशर रहता होगा उसे तैयार कराने के लिए? नहीं देखो, ये तो बॉडी कंडीशन होती है, सबकी बॉडी कंडीशन अलग अलग होती है जी। किसी को 2 महीने लगते, किसी को 3 महीने, किसी को 1 महीना, सबकी बॉडी कंडीशन अलग अलग है, और उसके लिए प्रेशर बहुत रहता है जी, क्योंकि उसमें सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, कोई बच्चों को नुकसान ना हो, उसके पेरेंट्स आगे कोई हमें गाली उत्तर ना करें, हमसे मेडिकल कोई प्रॉब्लम ना हो जाए उसे, तो हम उसके सब चीज़ के रिगार्डिंग देखते हैं, उससे हम तैयारी कराते हैं, मेडिकल रिगार्डिंग भी और फैमिली की रिकॉर्डिंग भी, जो हमारे भैया नगर हमारे बच्चों को एक चीज़ गलत दी जा रही है जी, तो हम उसके रिकॉर्डिंग सब चीज़ हम तैयारी कराते हैं। तो मिलन भाई ये बताइए, आज की जो जनरेशन है एस्ट्रॉइड जो होते हैं उनके पीछे बहुत ज़्यादा भग रही है, तो कुछ बारीकी बताइए उसके बारे में। देखो, मैं कहना चाहूँगा जो हमारा यूथ है आज की तरफ बहुत भग रहा है, जो देखो बच्चा वो बॉडी बिल्डिंग में आएगा 2 महीने रहेंगे भैया एस्ट्रॉइड के में रहेंगे भैया एस्ट्रॉइड। मैं ये कहना चाहूँगा सही बच्चों से, जितने मेरे यूथ हैं जो मेरे नए बच्चे बिगनर्स हैं, मैं ये कहना चाहूँगा बॉडी ऐसी नहीं कि आज करी कल बन जाएगी, जैसे हमारी पढ़ाई होती है ABCD, ऐसी हमारी बॉडी है, स्टेप बाय स्टेप में चलना पड़ता है, पर जितना बच्चों के स्टूडेंट्स है उतना आपके लिए बेस्ट है और अच्छा रहेगा, आपको हार्मफुल कुछ नहीं होगा। जितना आपको सप्लीमेंट लेना है, प्रोटीन लो, वेजिटेबल ले लो, क्रिएटिन लो, जो नेचुरल चीज़ हमारे खान पीन में होती है, आप उन्हें एक्स्ट्रा लोगे तब कोई हार्मफुल नहीं होगा, पर अगर आप स्टूडेंट लोगे जल्दी की तरफ भगोगे तो आपको हार्मफुल होना लाजमी है। नहीं मतलब अगर जब बिगिनर स्टार्ट करते हैं तो उन्हें कितने टाइम बाद मतलब ये चीज़ें लेनी चाहिए? नहीं, स्टूडेंट तो लेने नीचे, चाहे वो बिगिनर हो चाहे बिगिनर ना हो जी, कहने का मतलब ये, अगर आपको कॉन्टेस्ट खेलना है, आपको बॉडी बिल्डिंग में आना है, तो बेशक आप यूज़ कर सकते हो जी, पर अगर आपको फिजिक बनानी है तो सिर्फ आपकी जो नॉर्मल चीज़ें मसल चीज़ नॉर्मल है, जो डाइट होती है, डाइट चाहिए अपनी, डाइट के अलावा सप्लीमेंट में से क्रिएटिन हो गया, वे प्रोटीन हो गया, वेजिटेबल हो गया, HMB हो गया, और आपका सांस हो गया, ये सब नेचुरल चीज़ में आती है, तो आप ले सकते हो, उनको दिक्कत नहीं है जी, पर अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हो तो आपको हार्मफुल होना लाजमी है। तो मतलब इन चीज़ों को ना लेके एक वर्कआउट मेहनत करके वर्कआउट ज़्यादा करें और अपना प्रोटीन जो होते हैं अपना नॉर्मल डाइट वगैरह होती हैं वो अपना लें, अच्छा वर्कआउट हो, एक मन में एक कहो कि हाँ मैं करना है जी, आप चाहे स्टेरॉइड लो चाहे स्टेरॉइड मत लो, पर अगर आपके मन में ये चीज़ नहीं है कि मुझे करना है कि नहीं करना जी, तो स्टेरॉइड भी बेकार हो जाते हैं जी, और जो स्टेरॉइड नहीं लेता वो होता है मुझे करना, तो वो भी बहुत आगे बढ़ जाता है, क्योंकि सब कुछ स्टेरॉइड नहीं है, कुछ अपना दिमाग, दिल, अपने विश्वास, मेहनत, लगन आपकी, वो चीज़ काम आती है। तो मिलन भाई ये बताइए कि अब इंस्टीट्यूट भी चला रहे हो, काफ़ी टाइम आपको बॉडी बिल्डिंग में भी हो गया, तो अब घर वालों का रिएक्शन कैसा रहता है आपकी तरफ? घर वालों का रिएक्शन जो है वो अब इतना अच्छा है कि घर वाले अभी कहते हैं कि आपने हमारी जो इज्जत है वो बहुत बढ़ाई है, डैडी का नाम रोशन किया है अपने, और अब वो काफ़ी खुश रहते हैं मेरे प्लस घर वाले भी, और जो मेरे जो कॉलोनी के हैं वो भी बहुत खुश रहते हैं कि बच्चा अच्छी लाइन में आगे निकल रहा है, क्योंकि बच्चा आज में ज़्यादातर ड्रिंक, सिगरेट, गुटखा, दारू, अफीम इन पर लग रहते हैं, पर ये बच्चे ने अलग लाइन पकड़ी अपनी जी। चलो, अब घर वाले भी फैमिली भी खुश है आपकी, तो अब प्लान क्या है अब आपको बॉडी बिल्डिंग को लेकर आगे? बस अब प्लान ये है कि थोड़ा सा बड़ा कॉन्टेस्ट खेलना है जी। किस लेवल पे?
इंडिया लेवल पे अभी थोड़ा तैयार चल रही है, ऑफिसियल चल रहा है, गेम चल रहे हैं, तो उसके बाद इंडिया लेवल तैयारी करनी है, चाहे उसमें हार चाहे जीता वो चीज़ अलग है।